झुका आया। सो दिस इज ये है नोफ्रा, हमारे नेवी का एरिया। और इस घर से मैं एक्टर बनी थी। और ये है वो, हनी वो वाला घर दिखाओ सबको। हे एवरीवन, जस्ट लुक एट दिस। अगर आप यहाँ रहते होंगे तो आपको लगेगा आप लिटरली यू आर लिविंग इन हेवन। सो पीसफुल, इट्स सो क्वाइट, इट्स सो ग्रीन। ये है ए ब्लॉक, और आपका ए ब्लॉक था, ए ब्लॉक था। एंड दिस हमें माइक नहीं लाया। तो इस घर से मेरे डैड हॉस्पिटल गए थे, एंड ही नेवर केम बैक होम। बट दिस वाज द लास्ट हाउस वेयर वी ऑल स्पेंट आवर लास्ट डेज टुगेदर एज अ फैमिली। बट या पूरी जिंदगी ऐसी एरियाज में रहे हम। इट्स बीन सो ब्यूटीफुल, इट्स बीन सो अमेजिंग। Ishu got to see where her nanu was there for the last time, and yeah, जब बड़ी होगी तो मैं उसे फिर लाऊंगी, मैं दिखाती रहूंगी उसे कि यहाँ रहते थे तेरे नानू लास्ट तक, यहाँ रहते थे। She has to know where nanu and dadu were last. चले? Yeah. यहाँ की हवा कुछ और है यार। Let's go. So Ishu ki jo hai harness pehna rahi hai Shilpa, and samne this is the naval canteen jahan par mama aayi hui hai apna samaan lene. Aur agar permission mile to hum log andar se bhi shoot karenge. I don't know ki permission milegi ki nahi milegi. I doubt it. Doubt it na? I doubt it. कैंटीन के अंदर आइडा है ना? इसको हमने आगे टांग लिया है। शुभ पहले ऑल आप इशु फर्स्ट टाइम मेरी कैंटीन में जा रही है। इंट्री माने इशु के लिए क्या खरीदेंगे? इशु कुछ खरीदोगी मेरी कैंटीन में? इशु के लिए आज शगुन का कुछ तो लेंगे ना, जिस जगह से हमने जिंदगी भर शॉपिंग की है। इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एक एरिया होता था हमारी कॉलोनी के अंदर ही, जिसे कहा जाता था खाऊ गली। और खाऊ गली का मतलब आप ऑब्वियसली समझते हैं, उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग खाने के काउंटर हुआ करते थे, जहाँ पर उस वक्त क्योंकि मैं इतनी छोटी थी, मैंने उससे बेटर, और मैं साउथ से आई थी, आई नेवर ईटन बेटर साउथ इंडियन, क्या खाना मिलता था वहाँ, ओ माय गॉड। तो हम बस आपको दिखा रहे हैं व्हाट इट यूज़ टू बी लाइक, और अब कितना डेवलप हुआ है। जस्ट लेट एंड सी हनी, देखो अपनी यहाँ अपनी दुनिया बसी हुई है हमारी। आप कभी किसी मार्केट में जाते हैं, आप जितनी दुकानें सोच सकते हैं, स्टेशनरी की, राशन की, कैंटीन तो ऑब्वियसली चीज़ है, वट एवर दैट यू कैन थिंक ऑफ खाने की, यू हैव एवरीथिंग इनसाइड द कॉलोनी, एवरीथिंग। ये खाऊ गली है, खाओ गली पे भी कुछ खाली पड़ा हुआ है ना। अभी दोपहर का टाइम है ना, उनको लोग बात करेंगे। बैंक भी है, आई मीन देखो बैंक भी आ गया, एटीएम, बैंक, एवरीथिंग। ये पूरी एक अपनी ही दुनिया बसी हुई है, और आपको यहाँ से एक चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस यू हैव टू गो आउट फॉर वर्क और टू स्टडी, दैट्स इट। तो हम इस वक्त जा रहे हैं खाऊ गली। जैसा कि शिल्पा ने कहा कि अच्छा वाह यार, दिस इज रियली नाइस, चेक इट आउट गाइस। वाह यार, दिस इज रियली नाइस यार।
मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो एक 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 मतलब सब कुछ, सब्जी की दुकानें हैं, दूध की दुकान है, अलग अलग अलग, और फिर उसके बाद एक एक करके खाने के स्टॉल, जो आपको खाने का मन करे हर चीज़ है, नॉन वेज वेज साउथ इंडियन चाट पानी पूरी एवरीथिंग, चाइनीज इटालियन। मुंह में पानी आ गया आपके। ये बैनियन ट्री है क्या ये? हाँ यशु, तुमने उबासी क्यों मारी पेड़ को देखते हुए? क्यों मारी? इचू ने कैंटीन में शॉपिंग कर ली। इचू अब खाऊ गली में देख लिए क्या खाएगी। मजे कर लिए इचू, मजे कर लिए। ओहो, और देखो ये सामने बोर्ड की तरफ करना जरा, मॉनसून बॉल। इचू मछली थी, मम्मा ने इचू का फेस कवर किया था। ये देखो राइट पे मॉनसून बॉल। व्हाट इज मॉनसून बॉल बेटा? जैसे कितने लोगों ने सुना होगा ना, नेवी बॉल होता है हमारा, वैसे ही मॉनसून बॉल भी होता है। और मतलब तड़ाके वाली पार्टी, और दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे, पासेस खरीदते हैं लोग आते हैं। नेवी बॉल तो आप में से बहुतों ने सुना ही होगा, कितनी बड़ी कितना बड़ा इवेंट होता है वो। सो फॉर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि आप में से बहुत सारे जानते हैं कि मेरे फादर इंडियन नेवी में थे, तो हम ऐसी जगह जहाँ से आपके सामने पानी दिखता था। वो लाइफ जब थी तो ऐसा लगता था कि इससे बेटर लाइफ नहीं हो सकती, लेकिन नाउ लुक व्हाट यू हैव, बट दिस लाइफ इज अमेजिंग। तो इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं यूएस क्लब में, और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। भैया इतना खाना खाया हम लोगों ने, इतना खाना खाया कि मतलब क्या बताएं। हाँ, ज़्यादा धूप में नहीं जा सकते, इधर ही रहो ना छाँव में। बट हाँ, ये वो जगह है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, जहाँ पर हम खाना अपना लंच खा रहे हैं। ये रही आंटी और मामा। हाँ, आंटी से हाय करा दी, मम्मा से भी हाय करा दी। हाँ, और अगर आप ऑन द वे बैक, आई एम गोना ट्राई एंड शूट द वीडियो, आते हुए इशू हो रही थी तो मैं शूट नहीं कर पाई। उस तरफ अगर आप देखें, यानी अगर आप लेफ्ट पे करोगे तो पूरा का पूरा, लिटरली वो कहते हैं ना हिंदी फिल्मों में, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी गोल्फ कोर्स है। सो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड यार, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ luxury, it's a different world of happiness, it's a different world of अपने में ही अपनी दुनिया। तो बस आज का व्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। हमें दिखाना था, हम आपको दिखाना चाहते थे कि हमारी दुनिया, जो मेरी दुनिया थी आप लोगों से पहले मिलने वाली, इंडस्ट्री से पहले वाली, वो कैसी दिखती थी। भैया वो ऐसी दिखती थी, एंड इट वॉज a marvelous, a fabulous, a beautiful life. So, bas shared a part of our life with you again today. Usi note pe, Patidev, like kijiye, subscribe kijiye, share kijiye. Hamesha, 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 hame bless kijiye. Jaisa ki hum hamesha kehte hain, hum yahan sirf aur sirf aapki blessings ke liye hain. We love you guys so much. And hamari ichhu pichhu ko aur hamare holu ko हमेशा प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। हम बिलीव करते हैं कि प्यार में और आशीर्वाद में ताकत है टू मेक द रॉन्ग राइट। शो लव यू गाइस, ओम नमः शिवाय, बाय बाय गाइस।